बहुत ज्यादा खा लिया करें चाहे हम देर से पचने वाली चीजें खाएं, भूख ला खा, चीजों को गले से नीचे उतार आ, उतारे कभी कसरत ना करें, गंदे स्थानों में रहा करें, गंदे और कमजोर करने वाले विचारों को अपने मन में रहने दें, पर यदि इन कारणों से बीमारी हो तो जिम्मेदार कौन होगा जिम्मेदार तो हम स्वयं ही हुए ना लेकिन हम क्या करते हैं अपना जो बीमारी का और अपने जो रोगी होने का जो जिम्मेदारी है उसको मौसम को या जर्म्स को या औषधि को तरह तरह के अन्य चीजों पर जो है हम दोष मर देते हैं तो और अपनी अज्ञानता वश जो है दुख भोगते हैं तो यानी के हमारे को हमें अपने स्वास्थ्य स्वास्थ्य की जो जिम्मेदारी है हमें स्वयं अपने हाथ में लेनी है क्योंकि स्वस्थ रहना सरल है स्वस्थ रहना ही स्वाभाविक अवस्था है हमारे शरीर की बस इतना सा करना है कि प्रकृति के साथ चलना है और जिस तरह से कहते हैं ना स्विम विद जब हम प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं तो बहुत ज्यादा हमारी जीवनी शक्ति का हास होता है तो और याद रखिए ऑफ़ व्हाट यू ईट इट इट गोज टू नरिश योर बॉडी एंड टू थर्ड ऑफ द नरिशमेंट गोज टू नरिश द डॉक्टर जी हाँ पहले हम जो है अपने खान पान में जब हम अः प्राकृतिक भोजन ना खा के अनुचित भोजन करते हैं तो उसका कितना अंश हमारे अंदर जाता है और फिर हम पैसा खर्च करके जो है डॉक्टरों को जो है अपने जो है गाड़ी कमाई का हिस्सा देते हैं तो इस प्रकार से हमें अपने प्रकृति के सरल उपायों द्वारा अपने स्वास्थ्य का स्वयं जो है जो इसकी जिम्मेदारी है अपने हाथ में लेनी ही है अब इस समय जो फीवर इत्यादि का जो माहौल चल रहा है सबसे पहले हम प्रकृति के भोजन के नियमों की बात करें जैसे टाइम एंड अगेन हम कहते रहे हैं कि प्राकृतिक और प्लांट बेस्ड होलसम नेचुरल फूड अपने भोजन में देखिए जब हम स्वस्थ अवस्था में है तो तब भी प्रकृति के वही नियम होते हैं जब हम बीमार होते हैं तो उन्हीं नियमों का पालन करके हम जो है स्वास्थ्य लाभ पाते हैं जब हम स्वस्थ अवस्था में हैं, तब भी हमें प्राकृतिक भोजन करना है और जितना हो सके अगर हम रॉ डाइट को मोर देन फिफ्टी परसेंट अपने जीवन में उसका हिस्सा बना ले और कुक्ड फूड को थोड़ी उससे जो है कम रखें क्योंकि याद रखिए प्राकृतिक भोजन टाइम एंड अगेन हम क्यों कहते हैं कि प्राकृतिक भोजन कीजिए होलसम प्लांट बेस्ड भोजन कीजिए क्योंकि सबसे बड़ी बात जैसे कि एक रिसर्च में भी पाया गया अंडमान निकोबार के जारावास नाम के ट्राइब में जो है ये पाया गया कि वहां पर सौ से भी ज्यादा ऊपर जो है व्यक्ति को जीवन रहता है इतने उम्र तक वो आम व्यक्ति वहां जीता है तो वहां पर रिसर्च करके पाया गया कि वहा ना तो कोई डायबिटीज हार्ट पेशेंट ओबीसीटी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती और आ, कभी कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं मृत्यु का कारण केवल जो है बुढ़ापा या प्रिडेशन <coughs> तो उसका कारण क्या है उसका कारण है कि एक तो उन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी यानी कि प्रतिदिन यदि आप कोई एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपके शरीर से पसीना निकले थोड़ी सी मेहनत की आदत शरीर को चाहे आप व्यायाम के द्वारा चाहे आप किसी काम के द्वारा और दूसरी बात उनके जीवन में ये पाई गई कि उनके भोजन में के फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा पाया गया अब आप पूछेंगे कि ये के फैक्टर क्या है के फैक्टर है पोटेशियम फैक्टर तो याद रखिए कि जितनी भी प्रकृति से आई हुई चीजें हैं उनमें जो है पोटेशियम लेवल बहुत अधिक मात्रा में होता है और जितनी भी फैक्ट्री मेड चीजें हैं चाहे वो डिब्बा बन चीजें हैं रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है तो हमें यदि अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें पहली बात पोटेशियम रिच फूड्स जो है जो कि प्रकृति दत्त फूड है यानी कि जो प्रकृति से आए हैं उनका सेवन करना है और रिफाइंड फूड एनिमल फूड्स डेयरी फूड्स इनका त्याग करना है और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो है मैं कहना चाहूंगी milk milk हम सोचते हैं कि हमारी हड्डियां है होती हैं तो आप बताइए ये जो जानवर है हाथी से बलवान तो कोई जानवर नहीं होगा उसकी हड्डियों से ज्यादा तो मजबूत किसी की नहीं होगी या घोड़े या जैबरा या जंगल में कितने पशु हैं तो इन, इ, या गाय को ही ले लीजिए कि जो हम हमें हम सोचते हैं कि हमारे को कैल्शियम रिच दूध देती है तो वो अपना कैल्शियम कहाँ से प्राप्त करती है वो भी नेचुरल घास से फूल पत्तियों से अपने अपने भीतर जो है कैल्शियम पैदा करती है तो जब ये जानवर प्राकृतिक वेजिटेशन से फूल पत्तियों से अपने भीतर कैल्शियम और अन्य सब जो है प्रोटीन मिनरल्स प्रोक्योर कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं और ये भी एक बात रिसर्च में पाई गई कि जिन कंट्रीज में दूध का सेवन पाया गया तो उसमें जो है बोन सबसे ज्यादा पाई गई जैसे फिनलैंड डेनमार्क ऐसे चेक रिपब्लिक तो वहां पर जो है लोग दूध बहुत ज्यादा सेवन करते हैं और ये पाया गया कि वहां पर जो है बोन की डिसीज यानी कि हड्डियों से रिलेटेड चाहे वो ऑस्टिप्रोसेस है चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये डिजीजेस ज्यादा पाई गई तो इन इसका कारण क्या था हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए हमारे जो ब्लड की जो है केमिकल पीएच है जो वो सेवन पॉइंट फोर यानी के एल्कलाइन यानी के शारिय होनी चाहिए और जैसे जैसे हमारी ये शारियता कम होती जाती है एसिडिक लोड बढ़ता जाता है तो हमें बीमारियां होती है तो हमें अपने भोजन में 80 प्रतिशत हमें जो है शारीय भोजन करना चाहिए और 20 परसेंट अम्लीय भोजन भी हमें प्रकृति से फल, फूल, वेजिटेबल्स हर्ब्स अनाज और स्प्राउट्स और सोक ड्राई फ्रूट्स इन सब प्राकृतिक भोजनों द्वारा हमारे शरीर में एल्कलिनिटी बढ़ती है और एसिडिक लोड कम होता है जैसे ही आप किसी रोग से ग्रस्त हो तो तुरंत जो है आप एल्कलाइन डाइट पे आ जाइए तो आपके धीरे धीरे शरीर का एसिडिक लोड जो है वो कम होता जाएगा और आपकी एल्कलिटी जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपके शरीर में शारीयता बढ़ेगी तो आप धीरे धीरे सही होने लगेगा ये तो बात हमने भोजन की की अब हम जो समय समय पर प्रयोग जो करते आ रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा के कैसे हम अपने जीवन में छोटे छोटे प्रयोगों द्वारा जो है अपने स्वास्थ्य को जो है बरकरार रख सके तो आज जिस प्रयोग का बात की चर्चा में करना चाहूंगी वो है हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन जी हाँ गरम ठंडी सेक ये जो सेक है ये प्रकृति का और जल उपचार का या हाइड्रोथेरेपी का बहुत ही जो वैल्यूबल उपचार है और इसमें जो है हमें क्या करना है दो बर्तन में या तो हम पानी ले लें एक में बॉइलिंग हॉट और एक में जो है सादा पानी और सबसे पहले जिस अंग पे मान लीजिए कि किसी के पेट में जो है बहुत हार्ड है अपने पेट को छू के देखिए अगर वहां पे हार्डनेस है सख्त है तो इसका मतलब है कि आपकी आंतों में जो मल है वो जमकर कड़ा हो गया है अब उसको उखाड़ने के लिए आपको जो है पेट पर ठंडा गरम सेक जो है लेना पड़ेगा तो उसकी विधि क्या है सबसे पहले आप जो है या आप हॉट वाटर से भी गरम तोलिया डिप करके और फिर उसको पेट पर तीन मिनट रखें और उसके बाद एक मिनट सादा पानी में भिगोया हुआ टॉवल उसको निचोड़ कर उसको एक मिनट रखें। आप ये भी कर सकते हैं कि हॉट वाटर बॉटल जो सिकाई की होती है आप उससे भी गर्म सेक आप पेट पर दे सकते हैं सबसे पहले गर्म से शुरुआत करेंगे गर्म पानी से आप जो है टॉवल भिगो के निचोड़ कर, याद रखिए टॉवल को हमें साइड से पकड़ना है फिर गर्म पानी में डिप करना है फिर निचोड़ना है जिससे कि हमारे हाथों पे पानी गर्म हमारे हाथ ना जले और फिर जो है उसको देख के कि ज्यादा तापमान तो नहीं है फिर आप रोगी के पेट पर रखेंगे और उसके बाद तीन मिनट के बाद जो है सादे पानी का टॉवल रखेंगे तो तीन मिनट एक मिनट थ्री मिनट्स हॉट वन मिनट कोल्ड थ्री मिनट्स वन मिनट थ्री थ्री मिनेट, वन मिनट तो ये प्रक्रिया जो है ये साइकिल हमारी तीन बार चलेगी उसके बाद इसकी एंडिंग होगी कोल्ड से थ्री मिनट्स हॉट एंड थ्री मिनट्स कोल्ड तो इस तरह से जब हम किसी भी अंग पर अब ये देखिए ये आप हॉट एंड कोल्ड से बहुत सारे बॉडी पार्ट्स पर विभिन्न रोगों में आप कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके घुटनों में दर्द है तो आप घुटनों पर भी ये जो है सेक करके बहुत लाभ पा सकते हैं दर्द से निवारण हो सकता है आपका सिमिलरली जो थायराइड के पेशेंट है वो गले पर ये गर्म ठंडी सेक करे कमर दर्द में यदि दिक्कत है तो वो लोग ठंडी गर्म सेक कमर पर करें जैसे कि निमोनिया के केस में मैंने बताया कि छाती पर और पीठ पर ये गर्म ठंडा सेक करना है निमोनिया के पेशेंट में गरम ठंडा सेक स्टार्टिंग गरम से ही करेंगे और एंडिंग ठंडे से करेंगे तीन मिनट और याद रखिए जब हम किसी निमो, किसी को भी छाती पर गरम सेक देते हैं यदि उस व्यक्ति को कोई हृदय की समस्या है या हृदय कमजोर है तो उसके हार्ट पर एक छोटा टॉवल आप उसको छोटा कपड़ा निचोड़ कर पानी में और उसको हार्ट पर रख सकते हैं उसके बाद जो है गर्म सेक आप छाती पर देंगे पहले तीन मिनट फिर एक मिनट सादा पानी का टॉवल रखेंगे इस तरह से वही क्रम रहेगा तीन मिनट एक मिनट तीन मिनट एक मिनट यानि के तीन बार ये करेंगे और एंडिंग करेंगे थ्री मिनट्स एंड थ्री मिनट्स ऑफ कोल्ड वाटर फॉर्मेंटेशन इस तरह से आपका जो है पूरा क्रम ये जो है छाती पर होगा उस उसके बाद यही आप पीठ पे करेंगे ये छाती और पीठ पे जिन लोगों को निमोनिया निमोनिया है ब्रोंकाइटिस है सांस का कंजेशन बहुत ज्यादा है लंग्स में बहुत अधिक विकार है इंफ्लेमेशन है तो उसमें जो है ये बहुत लाभकारी है अब यदि आपको किसी भी अंग प्रत्यंग में गरम ठंडा सेक देने के बाद तुरंत अगर लपेट बांधनी है तो उस समय जो है आप गरम ठंडा सेक तीन की साइकिल करने के बाद चौथी दफा मिनट गरम सेक पर ही वहीं पर समाप्त कर देंगे क्योंकि उसके बाद आपको लपेट बांधनी है और याद रखिए कि लपेट जो है सादे पानी से निचड़ी हुई जो है पट्टी है वो ऑलरेडी ठंडी और गीली है तो उसके बाद उस अंग पे जहां पर आपने गरम ठंडा सेक दिया है वहां पर आप एंडिंग गरम से करेंगे और तुरंत लपेट बांध देंगे तो इससे जो है अब ये जो इसका आ, क्रिया प्रतिक्रिया या साइंटिफिक रीजन क्या है जब हम किसी भी अंग पर जो है गरम सेक देते हैं तो वहां की ब्लड वेसल्स डायलेट होती है वैसो और जब हम सादा ठंडा टॉवल रखते हैं तो कंस्ट्रिक्ट होती है तो एक पंप की भांति जो है जो है ब्लड बार बार भीतर और बाहर की ओर आता है भीतर और बाहर डायलेशन कंस्ट्रिक्शन वासोडायलेशन कंस्ट्रिक्शन तो ये जो है ब्लड वेसल्स का जो संकुचन है और जो फैलाव है वहां पर पंप की भांति जो है ब्लड का सर्कुलेशन बार बार जो है होता है तो वहां जिस अंग में भी समस्या है वहां पर जो है जमा हुआ मल चाहे वो घुटने हो चाहे वो फेफड़े हो चाहे वो आपका पेट हो तो वहां से जो है मल उखड़ता है वहां पर जो है मेटाबॉलिज्म पैपअप होता है और विकार जो है अपनी अपना स्थान छोड़ते हैं और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से आपके शरीर के उस भाग से कंजेशन का कारण जो है पेन का कारण जो है जो है विकार वो धीरे धीरे वहां से उखड़कर जो है निष्कासक अंगों तक जाएगा और वहां पर स्वच्छ ब्लड न्यूट्रिएंट्स लेके जो है उस प्रदेश को जो है न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा और ब्लड जो है वहां से टॉक्सिक मैटर लेके निष्कासक अंगों द्वारा या स्वेट द्वारा आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा ये प्रयोग एक दो दिन करने से लाभ नहीं होने वाला इसको लगातार आप पंद्रह बीस दिन करेंगे तो आप वो बदलाव वो अनुभव अपने भीतर महसूस करेंगे और ये बहुत जिस तरह से मैंने बताया कि थायराइड के पेशेंट गले में करें और अस्थमा है किसी को ब्रोंकाइटिस है निमोनिया है तो वो छाती और पीठ पर ये सेक करें और जिनको कब्ज है पेट से संबंधित कोई भी रोग है तो वो जो है पेट पर ये गरम, ठंडा सेक दे घुटनों के दर्द में घुटनों में ये करें और अधिक लाभ के लिए सेक के तुरंत बाद उस पार्ट पर आप जो है लपेट बांधे तो इस सिंपल प्रक्रिया से आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे जो है घुटनों पे सेक देने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे हम नहाने के लिए बाथरूम जाते हैं तो हम मग से गर्म पानी घुटने पे लें फिर ठंडा पानी डालें तो इस तरह से भी आप गरम ठंडे का जो है सेक दे सकते हैं और उसके बाद जो है स्नान कर सकते हैं तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल और इसीलिए जो है स्वस्थ रहना सरल है और स्वस्थ रहना ही स्वाभाविक अवस्था है और रोगी रहना कठिन है और वो अस्वाभाविक भी है बात सिर्फ इतनी है कि हमें प्रकृति के साथ चलना है प्रकृति के नियमों के साथ उनको नियमों को समझना है और मानना है उसका प्रयोग जो मैं हम लोग बताते हैं उन पर चलना भी है तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है ये अपने लेक्चर को विराम देती हूँ मैं और आप यदि कोई प्रश्न मैं जब लेक्चर दे रही थी तो बीच में प्रश्न आ रहे थे तो एक्चुअली डाइवर्ट हो जाती है